हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद इंग्लिश में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने उस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग जो देखेंगे वो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 40 में जो भी इंटरनल क्वेश्चन है उससे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल Which, मतलब कि आपको क्या करना है, एक मेटल का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। सबके लिए एक मेटल का एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 1। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो हम आपको बताए थे, आपको याद होगा, तो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है उस मेटल का नाम है क्या, मरकरी। तो यहाँ लिख देते हैं मरकरी। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में अगर रहता है कि एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ, वैसा मेटल का आपको नाम बताना है जिसको हम लोग आसानी से चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटाशियम। तो एक ही लिखना हम लोग को एग्जाम्पल, तो हम लोग एक लिख लेते हैं सोडियम, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर जो रहता है वो गोल्ड होता है या फिर सिल्वर होता है, तो कोई भी एक लिख लीजिए, हम लिख देते हैं गोल्ड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हीट का पुअर कंडक्टर है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, मरकरी और लेड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं मरकरी, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ मेलेबल एंड डक्टाइल, आपको क्या करना है, मेलेबल और डक्टाइल का जो मीनिंग होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो मेलेबल का मतलब समझते हैं, देखिए हम लोग जो थे वो फिजिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे मेटल्स का, तब हम लोग मेलेबिलिटी पढ़ रहे थे शायद। तो मेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि ये ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा मेटल जो होता है उसको पीट पीट कर किसमें, थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेलेबल का मतलब क्या है, मेलेबिलिटी नहीं पूछ रहा, मेलेबल का मतलब क्या है। तो मेलेबल जो होता है तो वो ऐसा चीज होता है, वैसे सब्सटेंस को मेलेबल कहते हैं जिसको हम लोग पीट करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आंसर लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए मीनिंग ऑफ मेलेबल, तो यहां क्या हो जाएगा, द सब्सटेंसेस That are converted into thin sheets when it is being beaten is called malleable. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मेलेबल सब्सटेंस कहते हैं, मेलेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो मेलेबल का यहाँ पे मतलब निकल गया कि वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं थिन शीट में जब इसको हम लोग पीटते हैं, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबल सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, डक्टाइल क्या होता है, तो डक्टिलिटी मीन्स वैसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल को हम लोग एक वायर में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो यहाँ डक्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए मीनिंग ऑफ डक्टाइल, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट इज ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, सॉरी drawn into thin wire is called ductile. ठीक,
डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लोग डक्टाइल कहते हैं, ठीक, डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे, ठीक। अब देखिए, मेलेबल जो सब्सटेंस होता है उसका एग्जांपल अगर बोले तो सबसे ज्यादा मेलेबल जिसके पास होता है, मेलेबिलिटी जो जिसके पास सबसे ज्यादा होता है वो होता है गोल्ड के पास और सिल्वर के पास, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। और डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होता है वो भी इसी के पास सबसे ज्यादा होता है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग थिन शीट्स देखे होंगे, फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल है ना, जो शादी पार्टी वगैरह में लगाया जाता है या फिर रोटी लपेटने के लिए लगाया जाता है, तो वो जो होता है किस प्रॉपर्टी से होता है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होता है। जो एल्युमिनियम होता है उसको पीट पीट कर हम लोग क्या कर देते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वायर जो होता है, जो आप लोग घर का वायर देखते हैं कॉपर वाला, उसको भी क्या कर दिया जाता है, डक्टाइल कर दिया जाता है ना, मीन्स वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है मेटल से, ठीक। तो डक्टाइल सब्सटेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिल्वर लिख लीजिए, कॉपर लिख लीजिए, तो ये सब क्या हो गया, डक्टाइल सब्सटेंस में आएगा। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर वन ऑफ पेज नंबर 46 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, पेज नंबर 46 का, इसको देखिए। व्हाई सोडियम कैप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, जो सोडियम होता है उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा करके क्यों रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सोडियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम आप लोग जानते होंगे कि ये दोनों जो मेटल होता है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है जब उसको हम लोग ओपन एयर में रख देते हैं। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर हम इसको ओपन में रख देंगे, खुले जगह पर रख देंगे, और जब ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आग पकड़ लेगा, ठीक है, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसी का एक्सीडेंट से हम लोग को बचने के लिए या फिर फायर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको किरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं, ठीक। तो लिख लीजिए, सोडियम इज कैप्ड इमर्स्ड इन किरोसिन ऑयल बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स so vigorously and catch fire when it is kept in open space. So to protect it from fire and to prevent accident, it is done. ठीक है, तो फिर से एक बार जान लीजिए क्या बोल रहा है। सोडियम इज कैप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम जो होता है वो केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स सो विगोरसली, सोडियम जो होता है वो बहुत विगोरसली, बहुत तेज से क्या होता है, रिएक्ट करता है एंड कैच फायर, और फायर भी पकड़ लेता है व्हेन इट इज कैप्ड इन ओपन स्पेस, जब इसको हम लोग खुले स्पेस में छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर रख देते हैं। सो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फायर, सो इसको हम लोग फायर से बचाने के लिए और एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस काम को करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग इस पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, जो रिएक्शन दिया गया क्वेश्चन के रूप में उसका हमको क्या लिखना है, इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आयरन विद स्टीम, आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयरन जो होता है वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मेटल का जनरल वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है, तो मेटल जब जनरल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये वाटर या तो हॉट हो सकता है या तो कोल्ड हो सकता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बनाता है, और फिर ये जो मेटल ऑक्साइड
जब फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन का हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, देखिए ये मेटल ऑक्साइड रिएक्टेंट में है और ये मेटल ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, देखिए मेटल प्लस दो टाइम्स वाटर है ना, टू टाइम्स वाटर H2O, और बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन जब ये वाटर जो होता है वो, जब आयरन जो होता है जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड ना बन करके, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड ना बन करके यहीं तक में स्टॉप हो जाता है, मेटल प्लस हाइड्रो वाटर और मेटल ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो यही वाला रिएक्शन जो है यहीं तक जो आयरन होता है वो रिएक्ट कर पाता है। तो लिख लीजिए सबसे पहला आयरन विथ स्टीम का, तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अभी क्या बताया कि आयरन के केस में या फिर एल्युमिनियम के केस में या जिंक के केस में क्या होता है कि मेटल जो होता है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब फर्स्ट ईयर स्टेप को कंप्लीट कर पाता है। तो Fe ले लेते हैं, ये कौन सा स्टेट में रहेगा Fe, Fe जो होगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है। वाटर ले लेते हैं, वाटर कौन सा स्टेट में रहेगा, तो ये स्टीम है ना, तो स्टीम मीन्स गैस, ये सा स्टेट में रहेगा। अच्छा क्या बनाएगा, तो देखिए क्या बनता है, अभी क्या बता, मेटल ऑक्साइड बनता है, मतलब Fe2O3, अच्छा सॉरी Fe3O4 बनेगा, ठीक है, Fe3O4 बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, समझ में आ रहा है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखिए ये Fe3O4 जो बनता है वो सॉलिड स्टेट में, और ये जो गैस बनता है वो कौन सा स्टेट में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है 4 है, इधर कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 4 लगा देंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, क्लियर है। Fe कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, समझ में आया। फिर से एक बार, आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड ना बना करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बनाता है, ठीक है। तो Fe का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाएं गैसेस फॉर्म में, तो क्या बनाया Fe3O4 बनाया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, और उसके बाद क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। उसके बाद देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का, कैल्शियम और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ, कैल्शियम विथ वाटर, तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन जो गैस, जो हाइड्रोजन गैस इसमें से फॉर्म्ड होता है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है कि उसमें क्या आग पकड़ सके, ठीक है। तो लिख लीजिए, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर, हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज नॉट सो वायलेंट दैट इट कैच इट कैन कैच फायर, ठीक है, इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता है जिससे कि इसमें आग पकड़ सके, ठीक। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम का रिएक्शन ये सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर के साथ ये लिक्विड होगा, और इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ठीक। और ये जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा और क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है, लेकिन इसमें हीट एनर्जी नहीं होगा, ठीक है।
एक्सोथर्मिक तो होगा लेकिन हाइड्रोजन गैस जो फॉर्मड होगा वो इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होगा जिससे कि उसमें आग पकड़ सके। तो एच टू लिख दिया। अच्छा इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हाइड्रोजन कितना है, दो और दो चार, यहाँ कितना है दो, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया दो हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया बैलेंस हो गया। कैल्शियम कितना है एक, तो यहाँ पे भी कितना है एक, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है जो कैल्शियम होता है, ठीक है, जो कैल्शियम का जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस का बबल होता है वो चिपक जाता है। ठीक, तो लिख लीजिए इन दिस रिएक्शन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड फॉर्म्ड स्टिक विथ स्टिक्स स्टिक विथ कैल्शियम सरफेस एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग। और इसमें क्या होता है ये जो होता है वो फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, इसमें आग तो नहीं पकड़ता है लेकिन क्या होता है ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, इसके बाद पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ, तो पोटेशियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं पोटेशियम विथ वाटर, पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ, तो पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसमें जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है वो इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि इसमें आग भी पकड़ सकता है। तो लिख लीजिए दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इन इट इज सो वायलेंट एंड कैन कैच फायर, फायर पकड़ सकता है। ठीक, इसका लिख लीजिए रिएक्शन, तो पोटेशियम ये सॉलिड फॉर्म में होता है जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, ये सब जो वाटर है कैल्शियम का जो वाटर रहता है और पोटेशियम का जो वाटर होता है वो कोल्ड वाटर होता है। ठीक, समझ आ रहा है, तो ये हो गया क्या वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा और जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो KOH कैसा फॉर्म, एक्वस फॉर्म। ठीक है, और क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो पोटेशियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ कोल्ड वाटर तो क्या बनाता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और इसमें क्या निकलता है हीट एनर्जी भी निकलता है जिससे कि आग क्या होता है पकड़ लेता है। ठीक, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, H2H कितना हो गया 3H हो गया, मतलब 3H उधर और इधर 2H, तो क्या करेंगे 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गया। पोटेशियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, मोटा मोटी जो देखे हैं वो ये देखे कि पोटेशियम जब रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वो इतना वायलेंट होता है कि इसमें फायर भी कैच कर सकता है, लेकिन कैल्शियम केस में जो रिएक्शन हो रहा था वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही था लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म्ड हो रहा था वो इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता है कि उसमें आग पकड़ सके। ठीक, और बात करें आयरन विथ स्टीम का, तो वो रिएक्शन में क्या हो रहा था कि मेटल हाइड्रोक्साइड ना बन करके क्या बन रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड ना बन करके मेटल ऑक्साइड पर ही रुक जा रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है,
सैंपल्स ऑफ फोर मेटल्स ए बी सी एंड डी वर टेकन, बोल रहा है चार मेटल का सैंपल लिया गया जिसका जो मेटल का नाम क्या क्या है ए बी सी और डी वो लिया गया था एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें ऐड किया गया है एक एक करके, ठीक। द रिजल्ट्स ऑब्टेन हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलो, और जो रिजल्ट निकल करके आया उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ दिया गया है। तो देखिए कौन को मेटल जो था वो ए बी सी डी लिया गया था, इस मेटल्स का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो एक एक करके नाम दिया गया है। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए का जो मेटल ए जो है वो आयरन टू सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, कॉपर टू सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और इस समय नहीं दिया गया। तो इस तरह से पूरा टेबल जो है वो फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास सबसे पहले जान लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज को, जो कि हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद करवाया है, और जो ट्रिक था वो ये था, कांता ने नाना से मांगी कार आल्टो जेन फरारी, फिर पंजाब हरियाणा से क्यों मंगवाई सिल्वर ऑटो, है ना। कांता ने नाना से मांगी कार आल्टो जेन फरारी, फिर पंजाब हरियाणा से क्यों मंगवाई, मंगवाई मतलब मरकरी, है ना, एचजी सिल्वर ऑटो, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक क्या होता है, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। तो देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आयरन टू सल्फेट, आयरन जो है देखिए आयरन कहाँ है, यहाँ है आयरन, फिर है कॉपर, तो कॉपर जो होता है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है कि ज्यादा रिएक्टिव, तो यहाँ से देखिए कम रिएक्टिव होता है, तो ये नीचे जाएगा। जिंक की बात करें तो जिंक क्या होता है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और सिल्वर का बात करें तो सिल्वर जो होता है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम लोग ये चीज को लिख रही है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके टेबल को देखते हैं और उसको समझते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो देखिए इस टेबल को देखिए और जानने का कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। इसको क्या करते हैं, पहले जो मेटल्स यहाँ दिया गया है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मेटल ए को बात करें तो जब आयरन टू सल्फेट में था तो नो रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा इसका। लेकिन जैसे ही कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन में गया तो यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव वाला सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव वाला सब्सटेंस को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि मेटल ए जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मेटल ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो बताइए मेटल ए जो है वो कहाँ आएगा, कॉपर के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो ज्यादा रिएक्टिव है दैट मीन्स ऊपर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए मेटल बी का, तो मेटल बी जो है वो आयरन सल्फेट, आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन में जब जा रहा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, दैट मींस जो मेटल बी है वो आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो यहाँ पे मेटल बी क्या हो जाएगा, आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन से ज्यादा रिएक्टिव, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मीन्स Fe के ऊपर, है ना। उसके बाद देखिए सी का बात करते हैं, तो सी जो है आयरन टू सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कॉपर टू सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, जिंक सल्फेट में भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि सी मेटल जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो सी ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, मीन सिल्वर से। तो सी जो है वो बताइए ज्यादा रिएक्टिव है तो ऊपर जाएगा कि नीचे, तो ऊपर जाएगा, यहाँ गया, ठीक है। अब बात करते हैं डी का, तो डी जो यहाँ पे देखिए डी का देखिए इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं, और इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं, तो डी कहाँ जाएगा,
नीचे हो जाएगा, सिल्वर के नीचे। अब बताइए ये जो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज तैयार किए हैं इस टेबल के आधार पर, वो बताइए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक, जिंक के बाद कौन, Fe को कौन डिस्प्लेस करा था, बी। तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी मेटल बी। उसके बाद देखिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन टू ऑफ कॉपर टू सल्फेट। बोल रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे यदि बी को हम लोग कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड कर दें। बी को किस में ऐड करना है, कॉपर टू सल्फेट में। तो हम लोग को क्या देखना है कि बी जो है वो कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो बी देखते हैं, बी जो है देखिए ये आपका बी हो गया और ये आपका कॉपर हो गया। तो यहां से देखिए बी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बी क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बी अगर ज्यादा रिएक्टिव है दैट मीन्स कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, दैट मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो बी डिस्प्लेसेस कॉपर, सी यू लिख देते हैं, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ जगह थोड़ा कम है इसलिए छोटा छोटा लिखे हैं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेस पर हम लोग को क्या करना है, ए बी सी डी मेटल को हम लोग को अरेंज करना है, ठीक। तो डिक्रीजिंग मीन्स सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, बी। यहां से देखिए नजर आ रहा होगा, तो बी है सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर जो रिएक्टिव है वो कौन है, फिर ए है, फिर कौन है, सी है, और फिर कौन है, डी है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए डी जो है वो बताइए चारों सल्फेट सॉल्यूशन में, चारों जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें किसी में से भी रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब रिएक्शन नहीं कर रहा दैट मीन्स क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो सबसे कम रिएक्टिव। सी देखिए, सी जो है वो आयरन से रिएक्टिव नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे नहीं है, लेकिन इससे है, सिल्वर से है। तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मीन्स सिल्वर के ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत आसान था, इसको कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। बोल रहा है एक रिएक्टिव मेटल में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। बोल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन को लिखिए जिसमें क्या होगा, जब आयरन जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, देखिए जब कोई मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो मेटल क्लोराइड बनाता है, मेटल क्लोराइड मीन्स सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, दैट मींस कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। तो लिख लीजिए हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरिक एसिड इज एडेड टू आर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो मेटल को जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है इस
रिएक्शन में मेटल का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। जब आयरन जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ तब क्या बनता है? तो देखिए, आयरन जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो क्या बनता है? Fe SO4, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी बताया ना, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, यहाँ एसिड लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तब सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये हो गया आपका मेटल आयरन, और ये हो गया आपका एसिड डाइल्यूट, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन टू सल्फेट। बोल रहा क्या आप ऑब्जर्व करोगे जब जिंक को ऐड किया जाता है आयरन टू सल्फेट में, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। और वो केमिकल रिएक्शन को हम लोग को क्या करना है, लिखना है, जो कि इस रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ से एक बात समझिए, आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज का एक स्पेशल वीडियो जब बनाए थे तो आपको बताए थे कि किस तरह से एक ट्रिक की मदद से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। फिर से उसको एक बार रिकॉल कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन रिएक्टिव है, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं, कांता ने नाना से मांगा कार आल्टो जेन फरारी, फिर पंजाब हरियाणा से क्यों मंगवाया सिल्वर ऑटो, ठीक है। तो अब बताइए जिंक पहले आ रहा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ या आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? तो वहां से हम लोग पाएंगे कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक जो है वो आयरन टू सल्फेट से आयरन को क्या कर देगा, डिसप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा। तो ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन THA, मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जो जिंक है वो आयरन को उसका आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक। रिएक्शन लिख देते हैं, तो जिंक जब ऐड किया जा रहा है, जिंक को जब ऐड किया जाता है किसके साथ, आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो आयरन टू सल्फेट Fe2SO4 हो जाएगा और जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा, Fe+ZnSO, या फिर ऐसे कर लीजिए ZnSO4+Fe, ठीक है। जिंक का कितना वैलेंसी होता है, 2 होता है, SO4 का भी 2 वैलेंसी होता है, तो ये 2-2 कैंसिल हो जाता है, तो कॉमन हो जाता है, मींस यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा। तो Fe यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर जिंक एंड आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका आंसर, और पेज नंबर 46 का जितना भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो अब देखिए पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम का, लिख लीजिए सोडियम। तो सोडियम का बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, Na, होता है ना। इसका एटॉमिक नंबर का बात करें तो कितना होता है, 11, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते थोड़ा, तो यहाँ पे बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपका एटम होता है जहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा होता है। उसके बाद ये आप देख लीजिए सोडियम,
ये आपका सोडियम का फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकंड सेल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका थर्ड सेल हो गया KLM। यहाँ पे जो पैकिंग होता है इसका वो कैसे होता है, 2, 8 और 1 होता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में आप भर दीजिएगा 2, तो 2 भर दे रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ 2 भर दिए, उसके बाद कितना भर रहा, 8 भरना, तो भर देते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हो गया। अब कितना भरना है, 1, तो यहाँ पे भर देते हैं 1। तो यही क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए Na। तो सबसे लास्ट वाला हम लोग दिखाते हैं ना, सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको दिखाते हैं, तो इसमें ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है 8। इसको जब पैकिंग करते हैं तो कैसा होता है, 2 और 6, 2 और 6, इसका भी वही तरह बनाते हैं ऑक्सीजन। तो इसका फर्स्ट सेल, इसका सेकंड सेल, क्योंकि 2 ही है, 12 है ना, तो 2 ही सेल बनेगा, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, फर्स्ट में 2 फुल है, 1 और ये 2, सेकंड में कितना 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 6। इसी को कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है, तो 6 दिखा देंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसका पैकिंग जब करते हैं तो कैसे करते हैं, 282, 282, ठीक है। ये जो 282 लग रहा है, 281 लग रहा है, वो कौन सा फॉर्म में आता है, देखिए, तो ये जो आता है वो 2n स्क्वायर के फॉर्म में आता है, 2n स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n कर रहा है सेल नंबर को, सेल नंबर को। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, सेल नंबर बोले या फिर ऑर्बिट नंबर बोले, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट का बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर मतलब कितना जगह, 2 का स्क्वायर 4 और 2 मतलब 8। और थर्ड ऑर्बिट का बात करें तो 2 का 3 का स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो कितना जगह, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जा 18, समझ में आ गया। तो फर्स्ट सेल में 2 भर सकते हैं, सेकंड सेल में 8 भर सकते हैं, थर्ड सेल में 18 तक भर सकते हैं। तो इसको भरेंगे तो कैसे भरेगा, 2 फिर 8 फिर 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना सेल बनेगा, 3 सेल बनेगा, 2 हो गया, और ये साइज बनाइए Mg, 1, 2, 3, ठीक है। तो 282, तो पहले मैं 2 भर लेंगे, 2 हो गया, अब 8 भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भी हो गया। अब 2 भरना है, तो ये 1 और ये 2 हो गया। इसी को कैसे दिखाएंगे, Mg और यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे डॉट से भी दिखा सकते हैं या क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली डॉट से दिखाना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Na2O का फॉर्मेशन और MgO का फॉर्मेशन हम लोग किस तरह से दिखाना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मदद से दिखाना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए Na2O का मतलब कितना क्या होता है, मतलब 2 Na है और एक ऑक्सीजन है, तो 2 Na ले लेते हैं, 1 Na, 2 Na, 2 Na हो गया। ऑक्सीजन कितना है,
एक है। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, तो एक है। ठीक है, इसको डॉट से दिखा दे रहे हैं, इसके पास भी एक हो जाएगा। इसके लास्ट में कितना होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो यहाँ छह होता है, तो छह इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो छह हो गया। अब देखिए हम लोग का फॉर्मेशन क्या करना है Na2O का, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसको देगा एक, क्योंकि दोनों को क्या होना, स्टेबल होना है, दोनों का स्टेबल होना है। इसके पास एक ज्यादा हो गया, लास्ट वाला जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसके पास एक ज्यादा हो गया, कितना था, 281 था ना, और इसका भी कितना है, 281, और इसका कितना है, 2 और 6, तो लास्ट में 6 है इसका, तो इसको 2 चाहिए। इसके पास लास्ट में 1 है, तो इसको खाली कर देना है, इसको इसको भी खाली कर देगा, तो ये जो है वो अपना स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा, और ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, Na2O। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Na कितना है, 2 है, और ये क्या है, O है, क्लियर। अगर इसका चार्ज की बात करें तो कैसे हो जाएगा, देखिए चार्ज जो आएगा वो Na+, Na2+, 2 Na+, Na कितना है, 2 है, और सब पे चार्ज कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये एक हो गया, और ये जो होगा वो O है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो 6 था वो अब कितना हो गया, 8 हो गया है, 2 4 6, और ये 8, और इस पे चार्ज कैसे आ जाएगा, 2 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, Na2O। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब MgO का बात करें, MgO, तो MgO मतलब क्या है, MgO मतलब एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, तो इसका ऊपर बना दे रहे हैं, मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन एक। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, मतलब 2 8 और 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, मतलब 2 6 होता है ना। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना है इलेक्ट्रॉन, 2 है, 2 है, ऐसे दिखाइए, और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 4 6, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आना है, तो ये क्या करेगा, Mg जो होगा वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। इसको अच्छा से ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये जो बनेगा वो कैसे बनेगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन दान किया था, 2+, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और ऑक्सीजन जो है उसके पास पहले से 6 था तो 6 डाल देंगे पहले, और दान में मिला 2, तो इसको डॉट से दिखा देंगे, और इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, 2 एक्सेप्ट किया ना, 2 एक्सेप्ट किया मीन्स 2 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, Mg O। समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से Na2O का और MgO का, Na2O का और MgO का फॉर्मेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंपाउंड दिया गया था Na2O और MgO, वो सब कंपाउंड्स में कौन कौन सा आयंस प्रेजेंट है इसके बारे में बता रहा है। तो देखिए Na2O में और MgO में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है इसको देखिए, Na2O में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट था, तो Na था, Na के ऊपर Na2 है यहाँ पे, तो 2 Na, और इसके पास जो चार्ज आया था वो कैसे आया था, पॉजिटिव आया था, है ना, तो 2 Na+, मतलब जो यहाँ पे आयन दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, Na+ का आयन, और यहाँ पे O2-। आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम लोग कंपाउंड बनाए थे, तो वहां पे हम चार्ज बताए थे कि किस तरह से इस पे जो है चार्ज आता है, किस तरह से आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो O2-, और MgO में जो आ रहा था वो आ रहा था Mg2+, और इसमें भी आ रहा था क्या, ऑक्सीजन में O2-। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सा आयन आ रहा है, तो Na+ आ रहा है,
और ओ टू माइनस आ रहा है और एम जी टू प्लस आ रहा है, ठीक। आयंस प्रेजेंट इन कौन कौन सा, एन ए टू ओ एंड एम जी ओ कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है क्योंकि हम जब आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि आयनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है उसका, वो दो अलग अलग तरह के आयंस के अट्रैक्शन से होता है, ठीक है। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl में कौन कौन सा आयन था, एक Na प्लस आयन था और एक Cl माइनस आयन था, है ना। आयनिक कंपाउंड्स के वीडियो में आप जाकर के उसको देख सकते हैं अच्छे से एकदम। तो Na प्लस और Cl माइनस था, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, और ये कैसा है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो बताइए यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है आयनिक कंपाउंड का NaCl का, वो किसके कारण से हो रहा है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अट्रैक्शन से, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और इस स्ट्रांग आयनिक और ये स्ट्रांग आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जिससे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो लिख लीजिए आंसर, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन एंड टू ब्रेक दिस इंटर आयनिक अट्रैक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, तो फिर से आपको बता देते हैं आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है उसका, वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अट्रैक्शन से होता है, और इस इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत होता है, जिसे कि हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या क्या देख लिए इस वीडियो में, पेज नंबर 40 का, पेज नंबर 46 का और पेज नंबर 49 का क्वेश्चन आंसर को। आगे जो भी इंटरनल क्वेश्चन दिया गया वो जरूरी नहीं है क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ये सब सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, इस साल। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अगर करेंगे तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।